नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। जिसकी आशंका थी या जिसकी चर्चा हम पूर्व में भी तमाम जो भी एनडीए की पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबर में किया करते थे, वो आशंका कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए दिख रही है। और यह आशंका अगर सच साबित होती है आने वाले दिनों में, तो यह मानकर चलिए कि जो नवादा के सिटिंग सांसद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह, उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। तो हम विषय वस्तु पे आते हैं। दरअसल आज एक लोजपा का कार्यक्रम हुआ, लोजपा रामविलास का, मतलब चिराग पासवान की पार्टी का, और ये आपको शहर के एक होटल में हुआ। और वो इलाका था आपको मोतीबिगा का, और वहाँ पे एक होटल है, उसी होटल में कार्यक्रम हुआ। और वो कार्यक्रम संकल्प यात्रा के तहत वो कार्यक्रम आयोजित था। उस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जो है पार्टी के राजू तिवारी, वो आए हुए थे। और उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच इस बात का संदेश दिया कि हमें अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है और हमें इस सीट पर चुनाव लड़ना है। हम पिछली बार भी चुनाव जीते थे यहाँ से, आने वाले चुनाव में भी हम जीतेंगे यहाँ से। मसला जो है वो काफी पेचीदा है। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि कहीं न कहीं लोक जनशक्ति पार्टी का जो डिवीजन हुआ था, दो फार जो हुआ था, उसमें यह माना जा रहा था कि जो नवादा के सांसद है चंदन सिंह और इनके भाई जो उसमें लोजपा यूनाइटेड लोजपा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे सूरज भान सिंह, पूर्व सांसद, उनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही थी उस पार्टी के टूट में। और जैसा कि आपको जानकारी है ही कि चिराग पासवान उस वक्त अलग थलग पड़ गए थे, वो मात्र अकेले बचे थे, और पार्टी के तमाम जो पांच सांसद थे वो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़कर जा चुके थे, इन्हें बाय बाय कह चुके थे। एक तरह से राजनीतिक तौर पे चिराग पासवान की हत्या ही कह सकते हैं उसे, वह व्यवस्था की गई थी उस वक्त। लेकिन कहीं ना कहीं वोटर जो है, जो जिस वोट बैंक की राजनीति रामविलास पासवान किया करते थे, मतलब चिराग पासवान के पिता, वो कहीं ना कहीं आज भी इंटैक्ट दिखता है आपको चिराग पासवान के साथ। यही वजह है, यही उनकी ताकत है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी चिराग पासवान की अनदेखी नहीं कर रही है और एनडीए का हिस्सा भी बना चुकी है। चिराग पासवान की अपनी खुन्नस है कहिए, या राजनीति में का दाव पेच कहिए, जो कह सकते हैं कि जो लोग उनको छोड़कर गए हैं पांच सांसद, उसमें तो दो उनके परिवार के हैं, चाचा पशुपति कुमार पारस जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, और भाई प्रिंस पासवान, वो भी चचेरे भाई प्रिंस पासवान हैं, वो भी कहीं न कहीं, और इसके अलावा वो दो के अलावा ये चंदन सिंह हैं, वैशाली की सांसद बीना देवी है, इसके अलावा खगड़िया के सांसद, ये सारे महबूबली कैसर खगड़िया सांसद, ये सभी के सभी पांचों सांसद कहीं ना कहीं इनके टारगेट पर हैं। हालांकि बीच में ये बात चर्चा आई थी कि वैशाली की बीना देवी से थोड़ा सा ये नज़दीकी बढ़ी, खगड़िया के सांसद से भी नज़दीकी बढ़ी महबूबली कैसर से, लेकिन जो जो हाव भाव दिख रहा है या पार्टी की जो गतिविधि दिख रही है उसमें ऐसा लगता है कि चिराग पासवान पुराने किसी को भी साथ लेने के लिए तैयार नहीं है, और अपने नए जो हार्डकोर है, जो बुरे समय में जो साथ थे कार्यकर्ता, उनको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि कहीं न कहीं जो भी इन्हें छोड़ कर गए थे उन सांसदों की परेशानी बढ़ी हुई है, और उस परेशानी को कहीं ज्यादा बढ़ा रहे हैं चिराग पासवान और अब उनकी पार्टी, इस यह स्टैंड लेकर के कि हमको उन लोगों के साथ नहीं आना है, नहीं जाना है, साथ नहीं लाना है, साथ नहीं मिलना है। तो आज कार्यक्रम हुआ, और कल सुबह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, अभी नवादा में ही कैंप कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, और अपनी एक पूरी टीम के साथ आए हैं, और जो जानकारी है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगे, और उस दौरान कहीं कहीं मीडिया इन सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास करेगी। सीधे तौर पर राजू तिवारी से जब बातचीत होगी तो प्रयास किया जाएगा कि उनसे ही यह बात ली जाए कि क्या सचमुच में लोजपा या चिराग पासवान अपने उस स्टैंड पर कायम है कि हम नवादा सीट लड़ेंगे। अगर नवादा सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ती है तो सिटिंग सांसद चंदन सिंह के लिए भी परेशानी होगी, और अमित शाह जो 2 अप्रैल को घोषणा करके गए थे हिसुआ की सभा में कि इस बार नवादा कमल का होगा, तो जो भारतीय जनता पार्टी के भी जो भी प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, संभावित स्थानीय से लेकर बड़े बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, उनकी भी परेशानी कहीं न कहीं चिराग पासवान पैदा कर सकते हैं। ऐसा तब
हो सकता है जब चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे, और अगर चिराग पासवान कतिपय कारणों से अलायंस नहीं हो पाता है तो कुछ नई कथा कहानी होगी बिहार के अंदर, बिहार के पॉलिटिक्स में। लेकिन इतना तय है कि आज जो परिस्थिति है, चिराग पासवान को इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी नहीं चल सकती है, और चिराग पासवान की अगर नवादा सीट पर दावेदारी होगी तो समझिए कि एक बहुत बड़ा खेल पॉलिटिक्स में होगा। तो आने वाले दिनों में क्या होता है दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है चिराग पासवान की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी जी का, वहां से क्या कुछ निकल कर आता है उसको भी हम लेकर के कल हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।